सनातन। आदिशक्ति जगत जननी के 51 शक्तिपीठों में एक ऐसा दुर्लभ शक्तिपीठ जहां मां की प्रतिमा से निगल पड़ी जल की धारा, जहां मां साक्षात मानव स्वरूप में लोगों को दे देती हैं दर्शन, जहां शिव भूतेश के रूप में विद्यमान है, जहां की प्रतिमा और जहां रखे हुए इस पर चिन्ह महाभारत काल के बताए जाते हैं, वो पावन धाम जहां माता के केश गिरे थे, जिस कारण उस स्थान का नाम पड़ा केश पतन स्थल और बाद में वो बना माँ उमा शक्तिपीठ। दिव्य और विलक्षण 51 शक्तिपीठों में से एक माँ उमा शक्तिपीठ भगवान श्री कृष्ण की लीला भूमि वृंदावन में स्थित है और आज हम आपको लिए चलते हैं वृंदावन के माँ उमा शक्तिपीठ के दिव्य दर्शन कराने के लिए। और आपको इस महान पीठ के दर्शन करा रही हैं हमारी वृंदावन ब्यूरो चीफ रिचा शर्मा। दर्शकों नमस्कार, प्रेम सनातन चैनल में आपका हार्दिक अभिनंदन है। इस समय मैं ब्रज में हूँ जहाँ पर कहते हैं 51 पीठ में से एक श्री उमा शक्ति पीठ मंदिर है। आज उसके दुर्लभ दर्शन कराऊंगी और साथ में श्री यंत्र और यहाँ के विग्रह के विषय में भी आपको जानकारियाँ दिलवा। चलिए आइए आपको मैं दर्शन कराती हूँ। इस समय मैं उमा शक्ति पीठ मंदिर के अंदर प्रवेश कर चुकी हूँ। यहाँ मंदिर को प्रणाम करके मैं यहाँ के महाराज जी जो कि स्वामी रामदेव जी हैं उनसे आपकी वार्तालाप कराऊंगी और यहाँ मैं बताऊंगी यहाँ के विग्रह के विषय में। यहाँ पे एक श्री यंत्र है और किस तरीके से यह प्रसिद्ध है और यहाँ की क्या महिमा है इस स्थान की, उस सारे विषय में मैं आपको जानकारी देती हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ का जो विग्रह है ये 51 पीठ शक्तियों में श्री उमा पीठ शक्ति मंदिर का विग्रह है। यहाँ का जो शक्ति पीठ मंदिर है उसके विषय में आपसे थोड़ी सी जानकारी और क्या महिमा है और क्या श्री यंत्र है उसके विषय में। भगवती की 51 मुख्य पीठें कही जाती हैं सती की, जहाँ जहाँ मुख्य मुख्य अंग गिरे वहाँ वहाँ एक पीठ हो गई। उसी के अंतर्गत वृंदावन में केश पतन हुआ जहाँ पर जूड़ा गिरा एक केश पतन कहें, इस स्थान का नाम हुआ केश पतन स्थल। पीठ हुई उमा पीठ, यहाँ पर भगवान शंकर जी ने निवास हुआ, उनका नाम हुआ भूतेश। और इसका मुख्य वर्णन मिलता है शास्त्रों में, देवकी पीठ वसुदेव तंत्र में भी, अन्यान्य पुराणों में भी, पीठ रहस्य में भी। यहाँ पर एक भगवान शिव का शिवलिंग है जो पुरातत्व वाले नहीं बता पाते कितना प्राचीन है। यही पर महाकामेश्वर स्थान आप देखिए यहाँ स्थापित है, जिसके विषय में महाराज जी ने बताया प्राचीन है काफ़ी यह विग्रह शंकर जी का। और बताया जाता है कि पुरातत्व विभाग के लोगों ने भी इसकी जानकारी ली लेकिन उसकी खोज नहीं कर पाए। ऐसे यहाँ बहुत दुर्लभ दर्शन मिलेंगे आपको। महाकामेश्वर भगवान शिव हैं और एक कितने प्राचीन हैं, इनको पहले लोग मन कामेश्वर कहते थे, कुछ लोग कामेश्वर कहते थे। जब हमारा यहाँ अभिषेक हुआ था केवल ये यहाँ अकेले विराजमान थे, कोई परिवार नहीं था, अकेले ही विराजमान आज भी वैसे ही हैं, वही शिवलिंग है, केवल हम लोगों ने थोड़ा जे करा दिया है ये। और ये यहाँ पर ये जो विग्रह है इधर रखा आप देखिए प्रकाश, ये जो विग्रह है ये विग्रह भगवती का है। इस विग्रह को जो यहाँ का प्राचीन विग्रह था ये 2400 वर्ष पुराना पुरातत्व वालों ने उस समय बताया था। 2000 में यहाँ पर बहुत सारे पुरातत्व के लोग आया करते थे, खोज करते थे, तब ये 2000 वर्ष पुराना ये विग्रह 2000 वर्ष पुराना है जो यहाँ पहले था स्थापित था, वो मुझे 2400 वर्ष पुराना सन 2000 में ऐसा पुरातत्व सर्वेक्षण में सामने आया था। विराजमान भगवती है, ये पीछे है कमल है, इस कमल की पंखड़ी से एक जल की धारा निकली,
जल की धारा निकली, वो जल की धारा पहली बहुत पतली सी निकली, इसे फव्वारा से चलता है, ऐसे जल की धारा निकली तो यहाँ पर ये पादुकाएँ रखी, एक थाली रखी रहती थी, यहाँ ये सब वस्त्र भीग गए, ये इसके अंदर 3 मीटर का पेटीकोट है, 3 मीटर का, ये 5 मीटर की साड़ी है, ऊपर फुल साड़ी है, ये यहाँ ये सब भीग गए, यहाँ थाली भर गई, ये पानी बह के जाने लगा, तो मैंने अपने पुजारी से कहा आपने कि क्या मैं यहाँ पादुका पूजन आता हूँ, ये पादुकाएँ हैं भगवती की, ये रजत की पादुकाएँ हैं, ये रखी हुई आपके सामने, कैमरामैन से कहूँगी, ये पादुकाएँ हैं, ये पादुकाओं से भर के नीचे जाने लगा, तो बहुत दूर दूर से लोग जो आए, तो कुछ तो लोग ये कहते थे रामदेवानंद जी तांत्रिक साधु हैं, उन्होंने कोई तंत्र मंत्र कर दिया, कोई कुछ कहता था, जैसी जिसकी बुद्धि थी, लेकिन कुछ लोगों ने उस जल को लिया, जिन्होंने जल को पिया, तो कोई कहता था बिसलरी है, कोई कहता था पंचामृत है, कोई कहता था गंगा जल है, सब अलग अलग स्वाद बताते थे। और ये स्वप्न हुआ था, मथुरा में एक सेठ हैं दिनेश चंद्र भिसावर वाले, चांदी के होलसेलर व्यापारी हैं, उनको स्वप्न हुआ था, जबकि वो आर्य समाजी हैं, आर्य समाजी थे, अब नहीं है, पहले आर्य समाजी थे, उन्हें स्वप्न हुआ था कि मथुरा में वृंदावन में उमापीठ में जल की धारा बहेगी, झरना बहेगा, झरना बहेगा, तो वो हमसे कहने आए कि ऐसा ऐसा, तो मुझे हंसी आई, हमने कहा आप तो आर्य समाजी हो, आर्य समाजियों के स्वप्न आने लगे तो हंसे। दूसरे दिन ये घटना घट गई, अब उनको भी बुलाया, सब लोग सुन के, मथुरा के बहुत लोग आए, दिल्ली का एक तो मुस्लिम पत्रकार, कितने वर्ष की घटना, 2001 27 अप्रैल उसकी कटिंग मेरे पास कहीं रखी है अभी, अखबारों की कटिंग, उस समय यहाँ एक किसी होते थे अग्रवाल, किशन चंद्र अग्रवाल हुआ करते थे, दैनिक जागरण के चीफ ब्यूरो हुआ करते थे, और ये महेश वार्ष्णेय अभी जीवित हैं, महेश वार्ष्णेय अभी ये भी शायद अमर उजाला में हुआ करते, सभी ने ये चमत्कार देखा जी, हजारों लाखों लोगों ने देखा, ये 3 दिन तक जल बहा जैसा उन्होंने कहा था, स्वप्न हुआ था, और वो जल बराबर बहता रहा, फिर उसके बाद भी कभी निकलता था तो वस्त्रों में ऐसे दाग पड़ जाते थे जैसे कोई दुग्ध जैसे दाग हों, वो दाग साबुन से भी छूटते नहीं थे, ऐसे दाग आ जाते थे, ये घटनाएं घटती रहीं, उसके बाद भी कभी कभी घट जाती, अभी भी कभी कभी घट जाती, लेकिन हम लोग इसका प्रचार नहीं करते, ना किसी को बताते, वो वस्त्र आज भी लोगों के पास रखे हैं उस समय वाले, और वो जल अभी हमारे एक शिष्य हैं हिंडौन में रामदयाल गुप्त, उनके घर में आज भी वो जल रखा हुआ है 100-150 ग्राम के लगभग, और उसमें एक दिव्य सुगंध आती, सूखा नहीं है और उसकी सुगंध बहुत दिव्य है, जबकि कोई जल इतने दिन चल नहीं सकता। कहते हैं कि जमुना जल में भी वैसे भी कुछ ना कुछ दुर्गंध या कीड़े आ जाते हैं, या गंगा जल शुद्ध है, लेकिन आपका कहने का मतलब है वो जल इतना पवित्र है कि अभी तक इतने साल हो गए वो वैसा का वैसा ही है। वो 24 वर्ष पुरानी घटना है, 23 वर्ष पुरानी, आज भी हिंडौन में, राजस्थान के हिंडौन में, करौली जिला में हिंडौन है, वहाँ पर रामदयाल गुप्त जी हैं, उनके घर पर आज भी एक शीशी में रखा है, उतना ही स्वच्छ, बिसलरी भी इतनी स्वच्छ नहीं होती, और उसमें एक दिव्य सुगंध आ रही है। आप देख सकते हैं एक देवी के दर्शन है जो बड़ी दुर्लभ है, लेकिन मैं देख रही हूँ कि इनके हाथों में अलग अलग अस्त्र हैं। ये महाराज जी से पूछती हूँ, क्या महाराज जी क्या क्या है देवी माँ के हाथों में? ये अंकुश है दाहिने हाथ में ऊपर की तरफ, ये चतुर्भुजे चंद्र कला वतन से कुचोर नते कुंकुमराग सोने पुंडरेक्षुपाशांग कुश पुष्पवाण हस्ते नमस्ते जगदेक माता, जगत की एकमात्र माता, संपूर्ण जगत की जगत जननी ये भगवती उमा है। इनके दाएं हाथ में वो अंकुश है, इस हाथ में पुष्पों की माला, आज ये सरस्वती का रूप बनाया गया इसलिए माला पहना दी गई, यहाँ 5 बाण लगते हैं, बाण ये पुष्पों के बाण हैं, इसमें गन्ने का ये धनुष है, धनुष भगवती का गन्ने का है, बाण पुष्प के हैं, धनुष गन्ने का है, ये पास है, पास फंदा ये पास है, ये 4 हाथों वाली भगवती है, इस प्रकार से इसके ये अस्त्र हैं। और सबसे बड़ी विशेषता उमापीठ की, ये गौरी गणेश हैं माता जी के साथ है, ये गणेश भी आपको शायद काले गणेश कहीं ही मिले हों, काले रंग के गणेश प्रायः मिलते नहीं, एक गणेश जी है, ये दोनों एक साथ के ही है, दोनों साथ साथ स्थापित है, इसलिए इन्हें भगवती को वरदान देने वाली गणेश माता उमा कहते हैं। अभी कनाडा की एक महिला आई थी, डॉक्टर थी, एमडी डॉक्टर थी, कनाडा से आई थी, उसे वहाँ स्वप्न हुआ, वो आई और उसने यहाँ पर अपनी आराधना या कामनाएँ सफल हुई,
और इसके बाद में कुछ मुंबई की एक मोदी नाम की महिला थी, नई लड़की थी करीब 30 साल की, वो आई, उसका कामना सफल हुई, फिर उसका फ़ोन आया। तो यहाँ पर लोग जो कामना लेके आते हैं, कुछ लोगों को दर्शन होते हैं स्वाभाविक, कुछ लोगों को आभास होता है, कुछ लोग सुन के जैसे भी है वो लोग यहाँ दूर दूर के आते हैं। एक अमेरिका से भी आई थी देवी। अच्छा, इसीलिए इसका नाम जो कामना जी जो कामेश्वर लोग यहाँ मन कामेश्वर कहते थे प्राचीन, जब हम यहाँ आए थे 88 में लोग कहते थे मन कामेश्वर की पूजा करने दूर दूर के लोग आते थे। साल में एक बार अक्षय नवमी के आसपास में, अक्षय नवमी से लेकर एकादशी के बीच में बहुत लोग आते थे यहाँ पर। इसमें चार भुजाएं हैं जी। भगवती की चार भुजाएं हैं। और यहाँ पर एक ब्राह्मण थे, प्राचीन पंडा समाज के अध्यक्ष थे, उनका नाम था श्याम नारायण पहलवान। वो श्याम नारायण पहलवान को यहाँ पर दर्शन दिए थे भगवती ने। कोई पहलवान आया था तो उससे कुश्ती लड़ने के लिए, वो बताते उनकी अवस्था उसमें 17 वर्ष की थी और उसको उन्होंने पराजित किया था एक क्षण में। तो यहाँ दौड़ते आ रहे थे तो उनको एक माता मिली, वो एक त्रिशूल हाथ में लिए हुई थी, कम गुलाब की माला पहने हुए थी। उसने माला जब उन्होंने प्रणाम किया तो उसने एक पुष्प और उन्हें दो लौंगे दी थी और उन्होंने वो गले में बांध ली थी। तो उस दुर्दांत मल्ल को, पहलवान को, उन्होंने एक क्षण में सेकंडों में उसे पराजित करके छाती बैठ गए थे। जबकि लोग कहते थे कैसे जीतेंगे, तब उनके पिताजी ने पूछा था कि तुमने किस बाबा के पास जाते हो, कहाँ से जाते हो। तब उन्होंने बताया बाबा के पास नहीं, मैं पानी घाट पर गया था तो वहाँ पर ऐसा, उन्होंने बताया था वो भगवती उमा है, उमा पीठ है और भूत भैरव है, तो वहाँ की कृपा से सब काम हो जाते, इसीलिए तुम जीत गए। तो यहाँ पर ऐसी प्रसिद्धि रही, कामनाओं की सफलता, आज भी दूर दूर से लोग आते हैं, उनकी सारी कामनाएं सफल होती हैं। इन्हें इसी स्वरूप को उमापीठ के नाम से जाना। हाँ जी, भगवती उमा के नाम से पहले थी, इससे पहले और कोई भी ग्रह रहा होगा हम नहीं कह सकते हैं। इसे 2400 वर्ष पुराना कहते हैं पुरातत्व वाले। जब पुरातत्व वाले 2400 वर्ष पुराना कहते, पीठ तो अनादिकालीन है, किस युग में, किस कल्प में, सृष्टि के आदि में घटना घटी है, तब से हो सकता है कहीं पहले जीर्णोद्धार हुआ हो, कई बार यमुना जी ने कटाया फिर आया फिर बसा, तो मतलब इतने वर्षों पुराना तो ये विग्रह है। इससे पहले तो विग्रह क्या पिंडी हुआ करती थी, भगवती के स्थान की पूजा होती थी, ये केश पतन स्थल था तो केश पतन यहाँ हुए, इस नाम से पूजा होती थी। हो सकता है पहले कोई विग्रह ना रहा हो। कितने लंबाई इसकी होगी? 9 इंच का विग्रह है। 9 इंच का विग्रह है। तो ये उमा पीठ के नाम से जाना जाता है। कहते हैं 51 शक्ति पीठों में से एक उमा पीठ। 51 शक्ति पीठों में एक एक पीठ से एक एक वर्ण की अभिव्यक्ति हुई है। उस वर्ण में क्षत्रिय वाला छकार, जो कक्षा में छकार है, जो सबकी रक्षा करने वाला है, छत्र कहा जाता है, वो छकार की अभिव्यक्ति यहाँ से हुई है और इसका नाम उमा पीठ हुआ है। तभी से यहाँ पर ये चला रहा केश पतन, सिर जो केश गिरे यहाँ पर, जूड़ा गिरा, इसलिए इस स्थान का नाम केश पतन हुआ, केश पतन स्थल हुआ, उमापीठ हुआ, छत्र संज्ञा हुई इसकी और छकार वर्ण की अभिव्यक्ति हुई। और यहाँ पर विशेषता यह है, वैदिक मंत्र और वैदिक अनुकूल जो आगम है, ये मंत्रों की अविलंब सिद्धि होती है और साधना करने वाले दूर दूर से लोग आते हैं, साधक लोग यहाँ पर साधनाएं करते हैं। अभी भी ब्राह्मण लोग आपके सामने बैठे हुए हैं, साधना सवेरे शाम तक ये लोग लगे रहते हैं और सबकी मनोकामना सिद्ध होती है और उन मंत्रों की सिद्धि, जो अपने लिए मंत्र सिद्धि करते हैं, पुरुष चरण करते हैं, उनकी सिद्धि उन्हें प्राप्त होती है। और ऐसे ऐसे बहुत सारे लोग हैं। आप देखिए, जैसे जैसे ब्रज में बहुत अलौकिक है, कहते हैं भगवान कृष्ण और राधा का यहाँ विग्रह रहा, यहाँ पर होली भी बहुत रूप से मनाई जाती है, लेकिन यहाँ पर ये भी आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, महाराज जी मुझे एक चीज़ और दिखा रहे हैं, बड़ी दुर्लभ है। यहाँ जो केश पतन स्थल है, इसलिए केशों का प्रतीक जो है, ये प्रतीकात्मक केश भी यहाँ पर है, श्री अंत पर ये रखे रहते हैं, ये केश है। मेरा दर्शकों से यही है, जब भी आप मथुरा वृंदावन आएं तो यहाँ पर जरूर आएं और यहाँ पर श्री यंत्र को भी प्रणाम करें और यहाँ देवी के दर्शन करें। ये दुर्लभ चीज़ें बहुत कम देखने को मिलेंगी, लेकिन आज हमारा भी सौभाग्य है सनातन चैनल की तरफ से, जो ऐसे दिव्य पुरुष के दर्शन भी हुए संत के, और यहाँ पर इस तरीके की देवी माँ के दर्शन हुए, उन्हें बार बार दंडवत प्रणाम करती हूँ। और सनातन चैनल की तरफ से फिर आपको कोई ऐसा दुर्लभ स्थान दिखाऊंगी। महाराज जी प्रणाम, राधे राधे।